अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि यहाँ 12 बजे आज का जो 10th of मई है उसका इख्तिताम हो मेरे बिगेस्ट डे का मेरे लिए, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मैंने सोचा मैं एक थैंकिंग वीडियो बनाऊँ। और यार दिल से शुक्रिया सबके, सिंगल सिंगल मैसेज का, एवरी सिंगल मैसेज के लिए। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और मुझे कभी लिटरली अपने मामा पापा याद नहीं आए सेम सुन की जब डेथ हुई है। मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। आपके कुछ स्पेशल डेज होते हैं जब आप ज़्यादा टची फील करते हो, ज़्यादा आप लविंग और अफेक्शनेट फील करते हो, और तब आपको ज़्यादा उनकी पेरेंट्स की थर्स्ट एक फील होती है यार मुझे, क्योंकि उनकी प्रेजेंस हर एक इंसान की फॉर्म में इस दुनिया में मिली है। सो थैंक यू वंस अगेन एवरीबडी। बहुत खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें, और प्लीज़ 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 हमेशा ऐसे ही दुआ में याद रखते रहें। और यू ऑल मेक माई फैमिली फॉर मी, और दिल से शुक्रिया। हमेशा अच्छी मोहब्बतों में रहें। और मेरे पास अल्फाज नहीं है, और मैंने कहा मैं इसी फेस के साथ जो मुझे लास्ट बेस्ट मोमेंट दिया है, मेरे दिल अजीज लोगों ने, जो कि मैं बाद में वीडियो शेयर करूँगी, उसी के साथ जाती हूँ। थोड़ी सी क्रीम गिर भी गई है मेरे जो है ये शर्ट के ऊपर। वेल बहुत खुश रहें और दुआ में याद रखें। और यार अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, और जो आपकी हैप्पीनेस है वो हमेशा 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 सबकी कभी भी कम ना पड़े यार। खुश रहें और ऑलवेज ये याद रखें कि जिस लम्हे में आप जिंदा है वो लम्हा आपसे ज़िंदा है। अल्लाह हाफिज़।